नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जब से कोरोना महामारी आई है तब से पूरी दुनिया परेशान है। इलाज को लेकर लोग इस कदर परेशान है कि आखिर कौन सा इलाज करें जिससे कि हम हमेशा के लिए ठीक हो सकें। तो सबसे पहले नाम आता है आयुर्वेदिक पद्धति का। कोरोना आने के बाद आयुर्वेदिक के ऊपर लोगों का विश्वास काफी हद तक बढ़ गया है। आज हम आपको ऐसे ही एक डॉक्टर से मिलवा रहे हैं जिन्होंने आयुर्वेदिक में महारत हासिल कर रखी है। इनका नाम है डॉक्टर वेंकटेश जोशी। कोरोना के समय में और बाद में या यूं कहें हमेशा हमेशा के लिए लोगों का अच्छा इलाज हो सके, इसलिए डॉक्टर जोशी ने वसई शहर में एक बड़ा आलीशान आयुर्वेदिक क्लिनिक खोल दिया है जो वसई पश्चिम के प्रसिद्ध 100 फीट रोड पर स्थित है। डॉक्टर वेंकटेश जोशी तो साफ साफ कहते हैं कि चाहे किसी भी तरह का रोगी हो यहाँ सही होकर ही जाएगा। वैसे इन्होंने शुगर, मधुमेह, किडनी और कैंसर के मरीजों को पूरी तरह से ठीक करने में महारत हासिल कर रखी है। शुभ प्रसंग पे आज के दुनिया में जो कोविड के वजह से इम्यूनिटी का महत्व ध्यान में आया है और इम्यूनिटी कोई ऐसे रेडी मार्केट से नहीं आती, इम्यूनिटी सिर्फ बिल्ड करना पड़ता है और ये बिल्ड 5 उंगली है इम्यूनिटी बिल्ड करने की। पहला है डाइट, जो आहार जिसको बोलते हैं, दूसरा योग व्यायाम है, तीसरा है निद्रा जो स्लीप है, और चौथा है ऑर्गेनिक मेडिसिन ही होना चाहिए। ऑर्गेनिक मेडिसिन ये फूड सप्लीमेंट जैसा है, ये न्यूट्रास्टिकल्स जैसा है जो शरीर को पोषक द्रव्य वो मिल जाते हैं। और पांचवा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये 5 उंगली अगर मजबूत है तो अपनी हेल्थ की मुट्ठी मजबूत रहती है। वसई में जो क्लिनिक खोला गया है यहाँ पर पंचकर्म से लेकर आयुर्वेदिक पद्धति वाले सभी तरह के इलाज होंगे। आज इस क्लिनिक का उद्घाटन बहुजन विकास आघाड़ी के एक बड़े नेता और वसई विरार शहर के पूर्व महापौर नारायण मानकर ने किया। इस मौके पर नारायण मानकर डॉक्टर जोशी के इस अच्छे कदम की सराहना करते हुए कहा कि वसई विरार इलाके में ऐसे डॉक्टर का स्वागत है और हम हर संभव इन्हें मदद करने को तैयार हैं क्योंकि आयुर्वेदिक ही सच में और अच्छा और सही इलाज है। डॉक्टर जोशी ने जो पंचकर्म सेंटर ओपन किया है, मतलब मेरे से उसका उद्घाटन करवाया है, तो मैं इस पंचकर्म सेंटर को शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे ख्याल से ये हमारे एरिया में पहला सेंटर है। आपके सामने अभी पंचकर्म का और 5 उंगली का महत्व बता दिया है और उन्होंने अंदर बताया कि किडनी से रिलेटेड या कैंसर से रिलेटेड जो कुछ डिसीज है उनके बारे में पंचकर्म का ज़्यादा उपयोग हो सकता है। तो इस पंचकर्म सेंटर का ओपनिंग हो गया ऐसा मैं जाहिर करता हूँ और मैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर जोशी को शुभकामना देता हूँ। नहीं सर, लेकिन जिस तरीके से कोविड का समय दिखा है, कोविड में एलोपैथिक दवाइयाँ जाहिर सी बात है कारगर नहीं रही, लोगों को विश्वास हुआ आयुर्वेदिक पे। लगता है कि आयुर्वेदिक ही, अब वो भी आयुर्वेदिक में ऑर्गेनिक, आने वाले भविष्य यही है। ताकि ऋषि मुनि पुराने टाइम से आयुर्वेदिक का यूज कर रहे हैं, थिंक बरोबर ना डॉक्टर? बरोबर। और कोविड का जो हो गया 1.5 साल से चालू है, मैं खुद कोविड पेशेंट था, मेरी पूरी फैमिली कोविड पेशेंट थी। और 5 उंगली का डॉक्टर साहब ने बताया कि जिनके बॉडी में ह्यूमिनिटी है, प्रतिकार शक्ति जितनी बढ़ती जाएगी उतना कोविड, मतलब कोविड का ज़्यादा असर नहीं हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि कोविड के अभी 3rd स्लॉट आने वाला है, 3री लहर जो बोलते हैं वो आने वाली, पहली और दूसरी चली गई, तो उसके लिए पंचकर्म का ज़्यादा यूज हो सकता है। तो इसके लिए पंचकर्म का यहाँ ओपन किया है। पहले हमारे यहाँ से लोग मुंबई में जाते थे, लेकिन डॉक्टर पाटिल करके कोई था, मेरे मिसेज को जाते थे, तो ये सेंटर ये एरिया के लिए काम में आ जाएगा, लोगों की अच्छी सुविधा हो गई है। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।